सो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सर्विंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। सो आज से हम चेन सर्विंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले चेन सर्विंग होता है क्या है, उस वो हम देख लेते हैं। सो इट इज़ द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड। तो ये टाइप ऑफ सर्वे है जिसमें हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब अगर हमें कोई दो पॉइंट्स है ए और बी, और इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, लीनियर डिस्टेंस, तो उसे हम चेन सर्विंग की हेल्प से इजीली मेजर कर सकते हैं। तो जनरली देखिए दोस्तों, चेन सर्वे में होता क्या, एक चेन होती है हमारी, 5 मीटर चेन, 10 मीटर चेन, 20 मीटर चेन या फिर 30 मीटर चेन, उसका हेल्प करके हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई एरिया गिवन है, ओके, ये अगर हमें एरिया गिवन है एंड इस प्लॉट का और इस लैंड का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम इजीली चेन सर्विंग का यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे फील्ड को या फिर लैंड को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, एंड ईच ट्राइंगल का लीनियर मेजरमेंट्स लेके, मतलब ये साइड्स हम निकाल लेते हैं, एंड फिर तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो हम इजीली एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके हम पूरे लैंड का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। बट दोस्तों, अगर हमें कोई दो सर्वे लाइंस के बीच का अगर हमें एंगल मेजर करना है, यानी कि एंगुलर मेजरमेंट्स, ओके, तो एंगुलर मेजरमेंट्स हम चेन सर्वे में कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स को फाइंड करते हैं चेन सर्विंग में। सो ये आपको याद रखना है। सो चेन सर्विंग जनरली सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एरिया। तो अगर हमें स्मॉल स्केल एरिया का, यानी कि स्मॉल एरिया का अगर हमें सर्वे करना है, तो हम जनरली सर्विंग को अडॉप्ट करेंगे, सॉरी चेन सर्विंग को कंसिडर करेंगे। इसका मेन रीज़न दोस्तों ये है क्योंकि देखिए, अगर हमें कोई बड़ा एरिया गिवन है इसके जैसा, ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों, इस पॉइंट के बीच का एंड इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है, ये वाला, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, किलोमीटर में हो सकता है या फिर हंड्रेड ऑफ मीटर्स में भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंड हमें जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन अवेलेबल है वो है 30 मीटर, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के 30 मीटर तक लाए करेंगे, यहाँ पर एक स्टेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद फिर हमें 30 मीटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करके करके हमें बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एरर्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एरर्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाने के कारण हम चेन सर्विंग को बड़े स्केल के लिए, बड़े स्केल ऑफ एरिया के लिए हम कंसिडर नहीं करते। जनरली छोटा जो एरिया होगा हमारा, उसके लिए सिर्फ हम चेन सर्विंग को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, चेन सर्वे में बहुत सारी छोटे छोटे कंसेप्ट है दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। मेन स्टेशन क्या होता है, सब्सिडियरी और टाई स्टेशन क्या होता है, वो सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन स्टेशन क्या होता है। द स्टेशन विच आर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द चेन लाइन, तो उसे हम मेन स्टेशन कहेंगे। सो मेन स्टेशन देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये ए और बी पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ओके, ये हो गए हमारे मेन स्टेशन। मेन स्टेशन ए पॉइंट हमारा मेन स्टेशन हो गया, बी भी हमारा मेन स्टेशन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमें अगर ये डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज करते ये डिस्टेंस अगर 100 मीटर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो चेन लेंथ है 30 मीटर की, वो यहाँ तक आएगी। अगेन यहाँ पर हम एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर हमारी 30 मीटर आएगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो हमारे चेन के बिगिनिंग एंड एट द एंड होते हैं, उसे हम मेन स्टेशन कहते हैं। तो ए हो गया हमारा मेन स्टेशन, बी भी हो गया हमारा मेन स्टेशन, ओके स्टूडेंट्स। एंड एक बात ये ध्यान में रखिए दोस्तों, जो हमारे मेन स्टेशन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने कैपिटल ए और बी लिखा है। अभी देखते हैं हम सब्सिडियरी और टाई स्टेशन क्या होते हैं। सो द पॉइंट्स ऑफ स्टेशन सिलेक्टेड ऑन मेन चेन लाइन टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर हमें किस लैंड का अगर हम सर्वे कर रहे हैं और उसमें अगर हमें इंटीरियर डिटेल्स को लोकेट करना है, तो जिन स्टेशन या फिर जिन पॉइंट्स का हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम टाई स्टेशन बोलते हैं। तो फिगर में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सपोज करते ये हमारा एरिया है, इसका हमें सर्वे करना है बाय यूजिंग चेन, ओके, तो हम इस वाले लाइन को हम मेन सर्वे लाइन कहेंगे ए और बी। जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट को हम मेन स्टेशन कहेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन स्टेशन। एंड इसमें दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग है कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कोई ट्री या फिर चर्च या फिर टेम्पल हो सकता है, और इन दो पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। ये हो गया आपकी इंटीरियर डिटेल्स। तो ये हमारी मेन चेन लाइन है, तो इन पॉइंट को हम कहेंगे टाई स्टेशन और सब्सिडियरी स्टेशन भी हम कह सकते हैं, सब्सिडियरी स्टेशंस। एंड ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये हो गए हमारे
मेन स्टेशंस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे मेन स्टेशन, एंड जो हमें इंटीरियर डिटेल्स को लोकेट करना है, तो वो पॉइंट हो गए हमारे सब्सिडियरी स्टेशन। और एक और बात, सब्सिडियरी स्टेशन और टाई स्टेशन को हमें हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट करना पड़ता है, ए और बी, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वे लाइन। तो अभी देखते हैं सर्वे लाइन क्या होता है। सो सर्वे लाइन इज नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गए हमारे मेन स्टेशन। तो इन दो पॉइंट्स को जो हमारी लाइन ज्वाइन करने वाली है, तो उसे हम सर्वे लाइन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारी सर्वे लाइन, जो कि हमारे मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर भी हम इस वाली लाइन को सर्वे लाइन बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और सर्वे लाइन आ सकती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसे भी हम सर्वे लाइन कह सकते हैं। ओके, तो द लाइन विच ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन इज कॉल्ड एज अ सर्वे लाइन। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस लाइन। तो अभी बेस लाइन क्या होता है, अब देखिए बेस लाइन जो होता है ना, चेन सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों बेस लाइन, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारे सारे डिटेल्स लोकेट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेस लाइन क्या होता है। द बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज द बेस लाइन। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर एक हमारी सर्वे लाइन ये हुए एंड सेकंड सर्वे लाइन ये हो सकती थी, बट दोस्तों इन दो सर्वे लाइन्स में से जो हमारी बिगेस्ट सर्वे लाइन होने वाली है, जो कि हमें हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली लाइन हमारी सबसे बड़ी है, तो उसे हम बेस लाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो द बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन इज नोन एज द बेस लाइन। तो ये हमारी सबसे बिगेस्ट सर्वे लाइन है। अगर ये पॉइंट भी अगर हमने ज्वाइन कर दिए होते, फिर भी हमारी ये लाइन सबसे बड़ी होती, तो इसीलिए हम इसे बेस लाइन कहने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इट शुड बी मेजर एक्यूरेटली। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, चेन सर्वे में अगर कोई पॉइंट सबसे, मतलब कोई लाइन अगर सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो बेस लाइन होती है। एंड जो हमारी बेस लाइन, तो ये वाली लाइन, इसको हमें मोस्ट एक्यूरेटली हमें मेजर करना पड़ता है, बहुत ही प्रिसाइजली हमें इसको मेजरमेंट करना पड़ता है। कई बार हमें चेक पॉइंट्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। नो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या होता है देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सब्सिडियरी और टाई स्टेशन टू द मेन लाइन इज कॉल्ड एज द टाई लाइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गई हमारी मेन लाइन या फिर बेस लाइन, ये हो गए हमारे टाई स्टेशन ए और बी स्मॉल, एंड इन दोनों को मेन बेस लाइन या फिर मेन सर्वे लाइन से जो लाइन ज्वाइन करती, तो उसे हम टाई लाइन कहेंगे। तो ये हो गई हमारी टाई लाइन्स, ठीक है दोस्तों। तो सब्सिडियरी स्टेशन को बेस लाइन से ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई हमारी टाई लाइन्स। ओके, तो ये भी हमारी टाई लाइन्स हो गई, ये भी हमारी टाई लाइन्स हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक लाइन। तो चेक लाइन क्या होता है देखते हैं। द लाइन्स अदर देन टाई लाइन्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज अ चेक लाइन। तो दोस्तों चेक लाइन्स ऐसी लाइन्स होती है जो एक्यूरेसी ऑफ द वर्क को मेजर करती है। जनरली हमें अगर एक्यूरेसी मेजर करना है, तो हम चेक लाइन्स का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हम चेक लाइन्स कैसे लगा सकते हैं। तो एक चेक लाइन तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, इसी वाली। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये हो गई हमारी चेक लाइन। या फिर हम यहाँ से भी एक चेक लाइन लगा सकते हैं, यहाँ से भी एक चेक लाइन हम लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम एक चेक लाइन लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ चेक लाइन्स हम लगा सकते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, हम चेक लाइन्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा चेक लाइन्स होंगी, तो एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी, कम चेक लाइन्स होंगी तो आपकी एक्यूरेसी कम होंगी। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी चेन सर्वे में, वो सब हमने देख लिया है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइंगुलेशन। सो ट्राइंगुलेशन क्या होता है हम देखते हैं। सो दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्विंग इज चेन ट्राइंगुलेशन। सो ट्राइंगुलेशन इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्विंग। जो चेन सर्विंग का मेन प्रिंसिपल जो है, वो है ट्राइंगुलेशन। तो जनरली दोस्तों ट्राइंगुलेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर ये हमें एरिया गिवन है, सॉरी फील्ड गिवन है, एंड इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम इसे स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे, एंड बाद में इंडिविजुअल ट्राइंगल के मेजरमेंट्स लेके, लीनियर मेजरमेंट्स लेके, हम पूरे फील्ड का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसी प्रोसीजर को, मतलब एक पूरे फील्ड को ट्राइंगल के फ्रेमवर्क में डिवाइड करना एंड फिर उसका एनालिसिस करना, उसे हम ट्राइंगुलेशन कहते हैं। तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है, इन ट्राइंगुलेशन द होल एरिया इज डिवाइडेड इंटू फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल। मतलब अगर हमें कोई एरिया गिवन है, तो उस पूरे एरिया को हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में, फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। या फिर दोस्तों हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें अगर हमें कोई नैरो फील्ड है, तो उसमें हम ऐसे ट्राइंगल्स भी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल, एंड इसमें हम एक एक एरिया को एनालिसिस करके पूरे फील्ड का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी देखिए ट्राइंगुलेशन में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती हैं। एक तो हो गया आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल, एंड सेकंड वन इज नथिंग
इल कंडीशन ट्राइंगल। तो ये क्या है वो देखते हैं अभी हम। तो सबसे पहले वेल कंडीशन ट्राइंगल देखते हैं। सो इन केस ऑफ वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल इन इट इज़ लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। ठीक है, ये हमें अगर कुछ एरिया गिवन है, ओके हमें सबसे पहले इसको ट्राइंगुलेशन मतलब हमें ट्राइंगल में डिवाइड करना है, तो वो हम ऐसे करते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल में हमने डिवाइड कर रहे हैं। बट इसमें देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार से इस फील्ड को ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे कि एक भी ट्राइंगल का एक भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, मतलब ये जो एंगल हो गया हमारा ये 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एंड 120 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें देखिए ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, तो ये हो गया आपका इल कंडीशन ट्राइंगल। एंड बाकी क्या आपके हो गए वेल कंडीशन ट्राइंगल्स। ओके सो द एंगल्स इन विच मोर देन 30 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री इज कॉल्ड एज द वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो आपको ध्यान में रखना है, सिंपल चीज़ है। इसका एक रीज़न भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हमें वेल कंडीशन ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ता है। सो एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज कंसिडर टू बी एन आइडियल ट्राइंगल। तो जो हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल होता है दोस्तों, जिसमें हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो इज कंसिडर एज अ आइडियल ट्राइंगल। वो आपके लिए एक आइडियल ट्राइंगल होता है इन केस ऑफ चेन सर्विंग। ठीक है, नाउ द आइडियल वेल कंडीशन ट्राइंगल्स आर प्रिफर्ड बिकॉज देयर एपेक्स पॉइंट्स आर वेरी शार्प एंड कैन बी लोकेटेड बाय अ सिंगल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए अगर ये आपका कोई आइडियल ट्राइंगल है, सॉरी वेल कंडीशन ट्राइंगल है, जिसमें आपका जो एंगल है वो है लेस मोर देन 30 एंड लेस देन 120 डिग्री हर एक एंगल। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो आपके एपिक्स पॉइंट है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इस इन दोनों इन तीनों पॉइंट्स को हम मैप में सिंगल पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं, ये वाला एपिक्स पॉइंट, ये वाला ये वाला, तो हम सिंगल पॉइंट्स से इनको इंडिकेट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी और पॉइंट्स जो हमें हमने लोकेट किए उनमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो वही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपकी वेल कंडीशन ट्राइंगल के पीछे, जिसकी वजह से हम एपेक्स पॉइंट जो होते हैं उनके वेरी शार्प होते हैं एंड हम कैन बी लोकेटेड बाय सिंगल डॉट। जैसे कि मैंने बताया, हम सिंगल डॉट से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट। सो हमने जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं मैप के ऊपर, सो उनकी कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके सो देखते हैं अभी हम इल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है। सो द ट्राइंगल्स इन विच एंगल्स आर लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री आर नोन एज इल कंडीशन ट्राइंगल। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा कोई ट्राइंगल हमें कंसिडर किया है और उसमें अगर एंगल लेस देन 30 है और ग्रेटर देन 120 डिग्री है, तो उसे हम इल कंडीशन ट्राइंगल बोलेंगे। इसका मतलब दोस्तों, ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री से ज़्यादा हो यानी कि 130 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री से कम हो, ओके मतलब अगर 25 डिग्री और ये भी अगर 25 डिग्री हो, तो उसे हम इल कंडीशन ट्राइंगल बोलेंगे। ओके इल कंडीशन ट्राइंगल क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री से कम है और 120 डिग्री से ज़्यादा है। सो द ट्राइंगल्स इन विच द एंगल्स आर लेस देन 30 डिग्री एंड मोर देन 120 डिग्री द ट्राइंगल्स आर नोन एज इल कंडीशन ट्राइंगल। क्योंकि इनका जो एपेक्स पॉइंट होता है ना, वो शार्प नहीं होता है एंड जब हम किसी भी मैप के ऊपर इनको प्लॉट करना चाहते हैं, तो वो हम सिंगल पॉइंट से मैप नहीं कर सकते, लोकेट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके सो वही यहाँ पर मैंने लिखा है, दीज आर जनरली अवॉइडेड इन केस ऑफ चेन सर्विंग बिकॉज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो जनरली वेल कंडीशन ट्राइंगल हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं, उसमें भी हम इक्विलेटर ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं चेन सर्विंग में। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चेन सर्विंग एंड ट्राइंगुलेशन के बारे में स्टडी किया। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।